नमस्कार, उषा शर्मा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज जो रेसिपी आपको शेयर करने जा रही हूँ, लॉकडाउन में रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये रिक्वेस्ट पर डाली जा रही है। तो लॉकडाउन में ये ग्रेवी बनाने के लिए अदरक, हरी मिर्च, किशमिश और ये कच्ची मूंगफली ली है मैंने, और इसका वैसे काजू डालते हैं लेकिन काजू नहीं है तो कच्ची मूंगफली ही डालनी है। इसमें भिगो करके पीस लीजिए। और यहाँ पे किशमिश ली है और चावल का आटा है, ये इलायची पाउडर है और ये थोड़े मैं बादाम भिगो करके मैं रखती हूँ घर में। ये 12 महीने मेरे बादाम रहते हैं, सब लोग उठा के खाते रहते हैं, गर्मी में भिगो कर रखा जाता है तो अच्छा होता है। बच्चे पढ़ने वाले हैं, मेहनत करते हैं, चाहे एक जोड़ी कपड़ा कम पहन लो लेकिन बादाम का सेवन ज़रूर कर लो। तो कुछ ग्रेवी में डालूँगी और कुछ मैं डालूँगी यहाँ पर इसके पेस्ट में बारीक काट करके। और ये आलू है, ये है, तो इसका मैं ग्रेवी बना लूँगी पीस करके मिक्सी में, और इसका एक फाइन डो बना लेंगे। इसमें सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, मसाले थोड़ा हल्के ही रखिए, गर्मी का सीज़न है। और थोड़ा सा दालचीनी और हरा धनिया नहीं है तो मैं कसूरी मेथी इसमें ग्रेवी में भी डालूंगी और इसमें भी डालूंगी। कसूरी मेथी इसमें भी डालनी और ग्रेवी में भी डालेंगी, ठीक है। इसमें अब क्या रह गया है हमारा, रेड चिल्ली और कोरिएंडर पाउडर। कोरिएंडर पाउडर डालेंगे इसमें, और रेड चिल्ली, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। बस अब इसमें सब कुछ डल गया है, अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल गरम कर लिया है और इसमें हम इसको फ्राई करेंगे। ये मिक्सी में हम इसका फाइन पेस्ट बना लेते हैं, और इतने में पेस्ट तैयार करती हूँ इसका डो। और अब बस ये हमने मिक्स कर लिया है, और इसमें से आप गोल बनाना चाहे गोल बना लीजिए, और ओवल शेप में बनाना चाहिए ओवल शेप में बना लीजिए। तो मैं ये वाली शेप घर में प्रेफर करती हूँ। तो अब हमारे घर में जैसे 5 मेंबर हैं तो 10 तो ज़रूरी बनाएंगे, 2-2 पकौड़ी सबके आगे आनी चाहिए। मार्केट में तो जो प्लेट होती है उसमें 2 पकौड़ी ही 150 रुपये की मिलती हैं, तो बहुत महंगा पड़ता है। घर में बनाइए, बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत से कम आइटम में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ मिस्सी रोटी बनाइए, चाय रोटी, कुछ भी बनाइए, वो आपकी पसंद है। तो अब मैंने यहाँ पे ये पहले तेज़ हो गया था मेरा ऑयल, अब मैंने इसको मीडियम फ्लेम कर दिया है, पहले लो किया था मीडियम कर दिया है, अब इनको हम लो फ्लेम पर ही सेकेंगे। देखिए लो फ्लेम पर ही सेकना है इनको, ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए और गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको निकाल देंगे। अब इसको कच्चों को नहीं, अब सेट होने लगे हैं, जो जो सेट हो जाए तो उसको हम पलट देंगे। ये सेट हो गया है, इसको हम पलट देंगे इस तरीके से। हम इसको ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं सेकना, अगर हमारे पास खोया होता तो हम इसमें खोया ऐड करते हैं। मैं अक्सर तभी बनाती हूँ इस रेसिपी को जब कुछ घर में मीठा मीठा बनता है, गुलाब जामुन बनते हैं, तो लेकिन आज खोया नहीं है। तो उसका दूसरा अल्टरनेट मैं बताऊँगी आपको क्या करना है, मेरे साथ चलती रहिए, देखते रहिए, खोए की भी कमी पूरी हो जाएगी। बस अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में हम ग्रेवी बनाएंगे, ज़्यादा बर्तन नहीं करने, इसी पैन में ग्रेवी बना लेंगे। चलिए ऑयल मेरा गर्म है, मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डालूंगी, हींग जीरा, और देखिए जीरा उछलने लगा, बस थोड़ी सी डांसिंग कर ले जीरा, उसके बाद हम हल्दी डालेंगे, जलाना नहीं है, हल्दी पाउडर बहुत लो फ्लेम पर डालना है ये। अब मैं इसमें डालूंगी ये जो है ग्रेवी बनाई थी मैंने, और कसूरी मेथी है,
ग्रेवी को डाल देंगे। अब हम हाई फ्लेम कर देंगे। इसमें कोरिएंडर पाउडर डालेंगे, रेड चिल्ली डालेंगे, अभी कम डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च भी पीसी है, अगर आपको कम लगे तो फिर और डाल लेंगे। कोरिएंडर पाउडर ज़्यादा डालेंगे, इसका फ्लेवर तो बहुत अच्छा आता है। अब इसको हम भूनेंगे, थोड़ा हाई फ्लेम कर लेते हैं। और दालचीनी यूज़ करनी चाहिए घर में, तो थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे फ्लेवर के लिए, डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालती हूँ गर्मी का मौसम है, क्योंकि बच्चे कम पसंद करते हैं, लेकिन मैं फ्लेवर के लिए डालती हूँ तो खा लेते हैं। और पीस के रखती हूँ, साबुत नहीं डालती। इसको भी मिक्स कर लेंगे। ऑल छोड़ना शुरू कर दिया इसे। ग्रेवी के हिसाब से हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। सॉल्ट हमारे पकौड़े में भी है, ग्रेवी में पहले कम डालना है। कम का ज़्यादा तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा का कम होना बड़ा मुश्किल होता है, तो इसीलिए पहले सॉल्ट को अगर अंदाज़ा नहीं है तो कम डालिए, बाद में और डालिए। अब हमें क्या करना है, अब खोया तो है नहीं हमारे पास, हम क्या करेंगे इसमें, जितनी आपके पास मलाई है तो मलाई डाल दीजिए, अगर मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं, दूध डाल दीजिए, दूध तो होता ही है अवेलेबल सबके घरों में, तो फिर इसमें दूध डाल दीजिए। दूध मिलने की कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मेरे पास तो मलाई भी और दूध भी है। तो मिक्सर जार में मैंने दूध ले लिया है, क्योंकि इसमें टमाटर का भी असर था, वो भी धुल जाएगा और दोनों काम हो जाएंगे। और थोड़ा मैं मलाई डालूंगी। एक चम्मच मलाई डालूंगी बस, अब अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और जितनी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए गाढ़ी पतली, उस हिसाब से आप दूध ही बढ़ाइए, इसमें पानी नहीं डलेगा, या आधा दूध आधा पानी डालिए। बस हमारी ये ग्रेवी रेडी है। और गरम मसाला है आपके घर में तो गरम मसाला डाल दीजिए, मेरे पास है तो मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर दूँगी। ठीक है, मैं ये हमारी, बस इसको एक उबाल देना है, हमारे ये ग्रेवी रेडी है। सॉरी, इसकी फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं। अब आइए मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। गरम मसाला भी मैं ऐड कर चुकी हूँ, दिखाना भूल गई हूँ। चलिए, जब हम सर्व करते हैं तो इसमें हम पकौड़ी डाल के नहीं रखते, जब हम खाएंगे तभी हम उसको सबके सामने कटोरे में पहले पकौड़ी डालेंगे, फिर हम सर्व करेंगे। इस तरीके से पहले हमने पकौड़ी रखी और फिर हम इसके ऊपर से ग्रेवी डालेंगे, तभी मलाई कोफ्ता सर्व किया जाता है। ग्रेवी डाल देते हैं। तो हमारा मलाई कोफ्ता रेडी है, बस ये हमारा रेडी है मलाई कोफ्ता। तो दिखा देते हैं पकौड़े भी साथ में, कोई बात नहीं, कई बार नहीं पता चलता। तो ये हमारा सर्व कर दिया है, पकौड़े बाद में ही डालने होते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और घर में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।